स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 9 है। क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है आपको, ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से कितने परसेंट कम है? 20% लेस है। नाउ अब आपको फाइंड आउट करना है व्हाट परसेंटेज इज बीज इनकम मोर देन ए। तो जो बी है उसकी इनकम ए से कितने परसेंटेज ज़्यादा है? सो देखिए, हम मानते हैं हमें बी की इनकम नहीं पता, तो लेट इनकम ऑफ बी इज इक्वल्स टू हम मान रहे हैं इसकी इनकम कितनी है 100 रुपीज़। ओके, अब जो 100 रुपीज़ है वो बी की इनकम है, तो जो ए की इनकम है वो कितनी लेस है? तो ए इज इनकम लेस देन बी इज इक्वल टू कितनी कम है? 20%। तो देखिए 20% कम है, 20% लेस है, तो हम निकालेंगे जो 20% है वो कितने अमाउंट में। तो हम क्या करेंगे, जो 20 है 20/100 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बी की इनकम के साथ। बी की इनकम क्या आपकी 100 रुपीज़, तो हमने इसे मल्टीप्लाई किया 100 से 100 कट कितना बचा है 20 रुपीज़। यानी बी ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से कितने कम है 20 रुपीज़। तो अब हमारे पास ए की इनकम आ जाएगी, सो ए इज इनकम, तो ए की इनकम अब क्या हो जाएगी आपके पास 20 रुपीज़ कम है। बी की इनकम कितनी है 100 माइनस कम कितनी है 20, दैट इज 80 रुपीज़। तो ए की इनकम कितनी हो गई है 80 रुपीज़। नाउ अब जो है आपका हमें निकालना है कि बी की इनकम कितनी ज़्यादा है ए की इनकम से। तो इनकम ऑफ बी, सो बी इज इनकम मोर देन एज इनकम। मोर देन एज इनकम मीन्स कि जो बी की इनकम है वो ए की इनकम से कितने ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले लिखेंगे ए की इनकम कितनी कम थी 20 रुपीज़, टोटल इनकम की कितनी थी ए की 80 रुपीज़ मल्टीप्लाई विथ 100, 0 से 0 कट 200/8 डिवाइड करेंगे हम किसकी टेबल से, 8 की टेबल से, 8 2 16, 20 माइनस 16 कितना आ जाएगा आपके पास 4 16 4 40 8 5 25। तो 25% क्या है बी की जो इनकम है वो ए से ज़्यादा है। नाउ देखिए, अब हमारे पास क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप बाय 10%, यानी पेट्रोल के जो प्राइस है वो 10% इंक्रीमेंट हो गए हैं, बढ़ गए हैं। नाउ बाय हाउ मच प्रेजेंट मोटरिस्ट यानी जो गाड़ी चला रहे हैं वो जो पेट्रोल को यूज़ करते हैं अपने व्हीकल में, वो अपने व्हीकल का जो यूज़ है वो कम कर दें ताकि जो उनका अमाउंट है, जो उनका पेट्रोल का अमाउंट है वो प्रीवियस अमाउंट के इक्वल हो। तो हाउ मच अ मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल सो दैट द एक्सपेंडिचर यानी जो पेट्रोल पे अमाउंट वो एक्सपेंडिचर उसका लग रहा है वो क्या रहे अनचेंज। यानी अब 10% तो इंक्रीमेंट हो गए हैं पेट्रोल की जो रेट है वो 10% इंक्रीमेंट हो गई है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कंजप्शन, पेट्रोल का जो कंजप्शन है वो कम करना है। तो जब कंजप्शन हम कम कर रहे हैं तो कितना कंजप्शन हम कम करेंगे कि जो ओरिजिन हमारा जो पेट्रोल का अमाउंट है वो पहले जितना लग रहा था अभी भी एट प्रेजेंट इतना ही लगे अमाउंट। सो देखिए, हम मानते हैं कि लाइक द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल, हम कितना कंजप्शन कर रहे हैं पेट्रोल का 1 यूनिट, एंड उस 1 यूनिट कंजप्शन की जो रेट है वो कितनी है 100 रुपीज़। हम पेट्रोल कितना यूज़ कर रहे हैं 1 यूनिट, एंड उस 1 यूनिट की कॉस्ट पहले कितनी थी 100 रुपीज़। नाउ इंक्रीमेंट इन पेट्रोल, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस कितने परसेंट इंक्रीज हुई है 10%, यानी अभी जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, सो नाउ कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ पेट्रोल इक्वल्स टू, अब जो 1 यूनिट ऑफ पेट्रोल है उसकी कॉस्ट कितनी है, पहले 100 थी अब कितनी बढ़ गई है 10%, यानी 10 रुपीज़। तो कितनी कॉस्ट हो गई है 110 रुपीज़ कॉस्ट हो गई है किस
की 1 यूनिट ऑफ पेट्रोल। तो अब हमें देखना है हमें कंजप्शन जो है रिडक्शन कितना करना है। अब 1 यूनिट पेट्रोल की कॉस्ट कितनी है, 110 रुपीज में आपका कितने यूनिट पेट्रोल आएगा, 1 यूनिट कॉस्ट ऑफ यूनिट पेट्रोल इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो 100 रुपीज कितने यूनिट पेट्रोल की कॉस्ट होगी, 1/110 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई विद 100। ओके, अब अगेन इसको हम वापस रिवाइज करके देखते हैं, 110 रुपीज में आप हमारे पास कितना यूनिट ऑफ पेट्रोल आ रहा है, ओनली 1 यूनिट। तो अगर हम 100 रुपीज हमें हमारा कंजप्शन हमारा जो अमाउंट है वही रखना है जो हम 100 रुपीज पहले स्पेंड कर रहे थे, अभी भी हमें 100 रुपीज स्पेंड करने हैं, तो 100 रुपीज में हमारे पास कितना यूनिट पेट्रोल आएगा, 1/110 मल्टीप्लाई विद 100। ना जीरो से जीरो कट कितना आ गया आपके पास, 10/11। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, रिडक्शन इन कंजप्शन, कंजप्शन में कितना रिडक्शन करेंगे हम, पहले हमारे पास था 1 यूनिट ऑफ पेट्रोल, अब हमारे पास है 10/11 यूनिट ऑफ पेट्रोल। तो देखिए एलसीएम में आएगा 11, 11 इंटू 1, 11 माइनस 10 कितना आ गया, 1/11। तो रिडक्शन कितना करना है आपको, 1/11। तो देखिए अब हमारे पास क्या आएगा, कंजप्शन ऑफ पेट्रोल रिमेन अनचेंज, तो अब हम क्या है 1/11 इसका क्या आ गया आपके पास कि हमने इसका रिडक्शन किया है पेट्रोल में। अब हमें निकालना है रिडक्शन का परसेंटेज, रिडक्शन तो हमने निकाल लिया है, नाउ रिडक्शन परसेंटेज इज इक्वल्स टू आपका रिडक्शन है 1/11, परसेंटेज में चेंज करना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 100 से। तो देखिए 100 इंटू 1, 100/11, 11 की टेबल है 9 times 99, क्या बचेगा रिमाइंडर, 1/11 परसेंटेज। तो कितना रिडक्शन करेंगे हम, 9 1/11 परसेंटेज हम रिडक्शन करेंगे पेट्रोल में, तो जो हमारा प्राइस है वो क्या रहेगा, अनचेंज। क्वेश्चन नंबर 17, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिकेट्स, डेप्रिकेट्स का मीनिंग क्या होता है, कमी होना, यानी उसकी जो रेट है वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है, एवरी ईयर हर साल उसकी रेट कम होती है, हर साल उसकी रेट कितनी कम होती है, 20%, यानी अगर अभी 100 रुपीज़ उसकी प्राइस है तो नेक्स्ट ईयर जब एक साल के बाद उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, 80 रुपीज़, 20% कम, देन 80 रुपीज़ के बाद में उसकी प्राइस हो जाएगी 60 रुपीज़, तो हर टाइम उसकी हर ईयर में उसकी प्राइस जो है 20% डेप्रिकेट हो रही है। नाउ इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन बी, अभी जो एट प्रेजेंट उस मशीन की वैल्यू कितनी है, 1,60,000 रुपीज़, व्हाट इट्स वैल्यू लास्ट ईयर, तो इसकी लास्ट ईयर वैल्यू क्या थी, यानी अभी ये डेप्रिकेट हो चुकी है, डेप्रिकेट होकर हमारे पास वैल्यू है 1,60,000 रुपीज़, तो इसकी जो कॉस्ट है वो पहले कितनी थी, तो लेट कॉस्ट ऑफ मशीन लास्ट ईयर हमें पता नहीं है उसकी कॉस्ट कितनी है, तो हम उसे क्या मानेंगे, कितने रुपीज़ थी उसकी कॉस्ट, X रुपीज़, ठीक है। नाउ डेप्रिकेट एवरी ईयर, तो जो उसका अमाउंट है वैल्यू डेप्रिकेट एवरी ईयर कितनी है, 20%, यानी अभी एट प्रेजेंट उसका कितना परसेंटेज रहा है हमारे पास, ओनली 80%, तो कॉस्ट ऑफ मशीन प्रेजेंट ईयर इज इक्वल्स टू, देखिए 20% लेस हो गई है, तो अब हमारे पास क्या रहा है, ओनली 80% इज, और 80% इज किसका रहा है, जो प्रीवियस उसकी कॉस्ट थी, प्रीवियसली लास्ट ईयर कॉस्ट कितनी थी, X, तो 80% ऑफ X उसकी कॉस्ट रहेगी, तो यहाँ पे देखिए 80/100 ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई विथ X, जीरो से जीरो कट, 2 की टेबल से 2 4 8, 2 5 10, तो यहाँ पे कितना आ गया, 4/5 X, ये इसकी एट प्रेजेंट वैल्यू है।
नाउ एट प्रेजेंट हमें वैल्यू क्या गिवन है, 1,60,000। सो यहाँ पे हम इसे इक्वल रखेंगे 4/5x को 1,60,000 के। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो x को हम एक साइड रखेंगे, बाकी सारे डिजिट को एक साइड। 5 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड, तो 1,60,000 मल्टीप्लाई विथ 5 डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए 4 की टेबल से 4 4 16, तो यहाँ पे आपका क्या बच गया, 40,000 मल्टीप्लाई विथ 5, तो x इज इक्वल्स टू 40,000 मल्टीप्लाई विथ 5, 5 × 4 = 20। यानी पहले इसकी जो मशीन की कॉस्ट कितनी थी, वो कितनी थी 2 lakh। सो कॉस्ट ऑफ मशीन लास्ट ईयर इज इक्वल्स टू 2 lakh rupees। ओके, उस मशीन की जो कॉस्ट थी प्रीवियस ईयर वो कितनी थी, 2 lakh rupees। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, एन अलॉय कंटेन्स 40% ऑफ कॉपर। अलॉय है जिसमें कॉपर की जो क्वांटिटी है वो कितने परसेंटेज है, 40%। एंड निकल की क्वांटिटी कितनी है, 32%। एंड रेस्ट जिंक, और जितना भी मिक्सचर में बाद में जो क्वांटिटी बची वो किसकी है, जिंक की। तो आपको फाइंड आउट करना है मास ऑफ द जिंक इन 1 kg ऑफ अलॉय। सो देखिए हमें पास सबसे पहले क्या गिवन है, क्वांटिटी ऑफ कॉपर। सो अलॉय कंटेन्स कॉपर इक्वल्स टू, कॉपर कितना है उसमें 40%। अलॉय कंटेन निकल इक्वल्स टू 32%। नाउ अब रेस्ट ऑफ द जिंक, तो अलॉय कंटेन जिंक इज इक्वल्स टू 100%। तो 100% में से हम माइनस कर लेते हैं, 40% हमारा है जिंक कॉपर प्लस 32% है हमारा निकल, तो इनकी क्वांटिटी को हम माइनस कर देंगे। तो देखिए जिंक की क्वांटिटी कितनी आएगी, 100% माइनस 40 + 32, 0 + 2 = 2, 4 + 3 = 7, तो 72% क्वांटिटी को हम माइनस करेंगे, 10 - 2 = 8, 9 - 7 = 2, तो कितना कंटेन कर रहा है जिंक, कितने अमाउंट में है, 28% क्वांटिटी में है। अब हमें इसका निकालना है मास ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ अलॉय, तो मास ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ अलॉय। अब यहाँ पे देखिए जो kg है, किलोग्राम को अगर हम ग्राम में चेंज करते हैं, तो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो 1 kg ऑफ अलॉय में जिंक की क्वांटिटी कितनी है, मास ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ अलॉय इज इक्वल्स टू, देखिए सबसे पहले क्वांटिटी कितनी है, 28%, तो 28% की जगह हम क्या लगा देंगे, अपॉन 100 मल्टीप्लाई विथ 1 kg। तो देखिए 28/100, 1 kg की हम जगह हम क्या लिखेंगे, 1000 ग्राम। तो हमने यहाँ पे लिखा है 1000 ग्राम, 20 से 20 कट, 28 × 10 कितना आ जाएगा, 280 ग्राम। तो जो मास है जिंक का अलॉय में, 1 kg अलॉय में, वो कितना है, 280 ग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 आपको गिवन है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट स्टूडेंट्स हमें पता है बैलेंस डाइट किस क्या होती है, जिसमें हमारा प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। नाउ देखिए इस जो डाइट है उसमें प्रोटीन है वो कितना होना चाहिए, आपका 12% आपका प्रोटीन होना चाहिए एंड 25% फैट्स होना चाहिए एंड 63% कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। अब एक चाइल्ड है उसको कितने वन डे में कितने कैलोरीज की नीड है, 2600 कैलोरीज की नीड है इन डेली फूड। नाउ फाइंड द कैलोरीज अमाउंट ऑफ ईच, तो हमें फाइंड आउट करना है ये जो कैलोरीज उसे वन डे में चाहिए उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, आपका प्रोटीन है और जो आपका फैट है उसकी कितनी क्वांटिटीज होगी।
सो देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, प्रोटीन जो है वो कितना होना चाहिए। प्रोटीन इन बैलेंस डाइट इज इक्वल्स टू सिक्सटी 3%। अब आपको चाहिए कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, सॉरी प्रोटीन जो है आपका वो होना चाहिए आपका 12%, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए आपका 63%, एंड जो फैट्स है वो कितना होना चाहिए 25%। ओके नाउ चाइल्ड नीड कैलोरीज इज इक्वल्स टू, चाइल्ड को डेली कैलोरीज कितनी चाहिए, चाइल्ड नीड्स कैलोरीज डेली इज इक्वल्स टू कितनी कैलोरीज चाहिए उसको, 2600 कैलोरीज एक दिन के लिए नीड है। तो इस कैलोरीज में हमें फाइंड आउट करनी है अमाउंट ऑफ प्रोटीन, तो अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन फूड इज इक्वल्स टू फूड में प्रोटीन का अमाउंट कितना होना चाहिए 12%, तो 12% किसमें होगा अभी यहाँ पे 2600 में, तो देखिए 12% हम निकालेंगे 12/100 मल्टीप्लाई विथ 2600, 2600 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 0 से 0 कट, 12 6 72 का 2 कैरी 7, 12 2 24 24 + 7 कितना आ जाएगा 31, तो 312 तो किसकी होगी आपकी प्रोटीन की। नाउ अमाउंट कैलोरीज होगी ये 312 कैलोरीज किसकी होगी प्रोटीन की। नाउ अमाउंट ऑफ फैट इन फूड, फूड में फैट कितना होता है 25%, तो 25% ऑफ 2600 अगर हम निकालेंगे तो देखिए 25/100 मल्टीप्लाई विथ 2600, 00 से 00 कट, 25 × 26 को हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, 25 6 कितना आता है आपके पास 150 का 0 कैरी कितनी आएगी आपकी 15, 25 2 कितना होता है 50 + 15 कितना आ जाएगा आपके पास 65, तो 650 कैलोरीज किसकी होगी आपकी, आपके अमाउंट किसका होगा फूड में फैट का। नाउ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमें पता करना है, तो कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए फूड में 63% ऑफ 2600, तो देखिए 63/100 मल्टीप्लाई विथ 2600, 0 से 0 कट। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 63 और 26 को, 6 3 18 का 8 कैरी 1, 6 6 36, 36 + 1 37, 2 3 6, 2 6 12, तो कितना आएगा 8 7, 6 + 7 कितना जाएगा आपका 13 का 1 कैरी 1, 3 + 1 4, 4 + 2 6, सो 1638 ये किसके अमाउंट होगा आपका कार्बोहाइड्रेट का। क्वेश्चन नंबर 21, आपके पास अमाउंट कितना है डिवाइड करना है हमें तीन पार्ट्स में 7000 रुपीज़ को हमें इस तरीके से डिवाइड करना है ए बी सी में कि सच दैट ए को कितना मिले 50% ऑफ बी, जितना बी को मिला है उसका 50% किसको मिले ए को, एंड बी को कितना मिले 50% ऑफ सी गेट, जितना सी को मिला है उसका 50% मिलना चाहिए बी को। सो यहाँ पे देखिए हमें पता नहीं है, बट हमें ये पता है ए को क्या मिलेगा 50% ऑफ बी एंड बी को मिलेगा 50% ऑफ सी, तो हम मानते जो सी है उसने कितना रिसीव किया अमाउंट ₹x, सो लेट अमाउंट received by C is equals to ₹x, हम मानते हैं C को कितना अमाउंट मिला है ₹x, तो अब हमें पता है B को कितना मिलेगा 50% ऑफ C दैट इज x, तो देखिए अमाउंट received by B निकालेंगे हम, तो अमाउंट received by B इज इक्वल्स टू
बी को कितना अमाउंट मिलेगा? 50% ऑफ सी. तो देखिए 50/100 ऑफ का मतलब यहाँ पे है मल्टीप्लाई. सी का अमाउंट कितना है? एक्स. तो देखिए 0 से 0 कट 5 की टेबल से. 5 1 5 5 2 10. 1/2 × x कितना आ जाएगा? 1 × x x/2 rupees. ये किसको मिलेगा? बी को. नाउ अमाउंट रिसीव्ड बाय ए. अब ए को कितना अमाउंट मिलेगा? 50% ऑफ बी. तो 50% ऑफ बी, तो 50/100 मल्टीप्लाई विथ बी का अमाउंट अभी हमने निकाला कितना है? x/2. सो मल्टीप्लाई विथ x/2. 0 से 0 कट 5 की टेबल से. 5 1 5 5 2 10. अब देखिए 1 × x x डिवाइडेड बाय 2 × 2. तो x/2 × 2 कितना हो जाता है? 4. तो x/4 अमाउंट किसको मिलेगा? ए को. नाउ अब हमारे पास, हमें पता है टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास? 7000 रुपीस. तो अब देखिए इन तीनों को हमने किससे डिवाइड किया? 7000 रुपीस से डिवाइड किया. तो इन तीनों का सम भी कितना होगा? 7000 रुपीस. तो अमाउंट ऑफ ए, ए का अमाउंट क्या है? x/4 प्लस बी का अमाउंट क्या है? x/2 प्लस सी का अमाउंट है x इज इक्वल्स टू 7000. अब यहाँ पे देखिए x के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 है. 1, 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 4. ओके, सो 4 की टेबल में 4, 1 × 1 × x x प्लस 2 की टेबल में 4 कितनी बार आएगा? 2 × 2 × x 2x प्लस 1 की टेबल में 4, 4 × 4 × x 4x इज इक्वल्स टू 7000 रुपीज. x+2x 3x, 3x+4x कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे? 7x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 7000 रुपीज. अब देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी है. तो x इज इक्वल्स टू 4 × 7000 डिवाइडेड बाय 7. सो 7 की टेबल से ये कट कितनी बार होगा? 1000 टाइम. तो 4 × 1000 4000 रुपीज किसकी आई है? x की वैल्यू. x किसका अमाउंट था? अमाउंट ऑफ c. तो 4000 किसका अमाउंट है? अमाउंट ऑफ c. अब a का अमाउंट, अमाउंट ऑफ b इज इक्वल्स टू, b की वैल्यू क्या थी? x/2. तो x की जगह हमने लिख दिया 4000 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2000 रुपीज़ आपको किसको मिले? b को. a को कितने मिले? तो a गेट्स, a को कितना मिला है? x/4. तो x की जगह हम क्या लिखेंगे? 4000/4. तो कितना मिला इसे? 1000 रुपीज़. तो यहाँ पे c को मिला है आपका 4000 रुपीज़, b को मिला है 2000 रुपीज़ एंड a को कितना मिला है? 1000 रुपीज़. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 23. एक ऑफिसर है जिसकी सैलरी को इंक्रीज हो गई है 25%. नाउ बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी डिक्रीज? अब हम किस 25% तो इंक्रीमेंट हुआ है, बट अब हम जो न्यू सैलरी है उसको कितने परसेंट डिक्रीज करें कि आपकी जो न्यू सैलरी है वो ओरिजिनल सैलरी के इक्वल हो जाए. तो हम देखिए यहाँ पे लेट, हम मानते हैं उसकी जो पहले प्रीवियस सैलरी कितनी थी? 100 रुपीज़. सो लेट द ओरिजिनल सैलरी इक्वल्स टू 100 रुपीज़. उसकी जो ओरिजिनल सैलरी थी फर्स्ट वो कितनी थी? 100 रुपीज़. आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ 25% की इंक्रीमेंट के बाद सैलरी विल बी, सैलरी कितनी हो गई है? 25 इंक्रीमेंट हुआ है. तो 100 प्लस 25% ऑफ 100. 100 ओरिजिनल सैलरी थी तो हम ओरिजिनल सैलरी में प्लस करेंगे. तो देखिए 25/100 मल्टीप्लाई विथ 25 रुपीज़. तो 25 रुपीज़ बढ़े हैं तो कितना हो गया? 125 रुपीज़ उसकी अभी सैलरी है. ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है न्यू सैलरी
बी डिक्रीज टू रिस्टोर ओरिजिनल सैलरी. सो यहाँ देखिए अभी जो हमारी न्यू सैलरी है वो कितनी है 125 में से हम कितना परसेंट माइनस करें, लेट हम कितना माइनस कर रहे हैं, लेट एक्स परसेंट भी डिक्रीज. नाउ लेट न्यू सैलरी भी डिक्रीज एक्स परसेंट. तो हम निकालेंगे एक्स परसेंट ऑफ अभी जो न्यू सैलरी है दैट इज 125 इज इक्वल्स टू ओरिजिनल सैलरी कितनी थी हमारे पास 100 रुपीज. अगेन देखिए 125 हमारी न्यू सैलरी है, माइनस कर रहे हैं हम एक्स परसेंट है क्योंकि हम एक्स क्या मान रहे हैं कि ये डिक्रीज हुआ है ऑफ न्यू सैलरी इज इक्वल्स टू ओरिजिनल सैलरी. तो देखिए 125 माइनस एक्स परसेंट दैट इज एक्स अपॉन 100 मल्टीप्लाई विद 125 इज इक्वल्स टू 100. अब आपके पास है 125 माइनस 25 की टेबल से 25 5 125 25 4 100. तो कितना आ जाएगा 5 × x 5x/4 इज इक्वल्स टू 100. अब हम 5x/4 को एक साइड ले जाते हैं. तो देखिए मैं 5x/4 को उधर ले जा रही हूँ तो ये इसका जो माइनस का साइन वो क्या हो जाएगा प्लस. तो 5x/4 को एक साइड ले लिया हमने. नाउ 125 एज इट इज 100 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस. तो 125 माइनस 100 अब देखिए 5x/4 इज इक्वल्स टू 125 माइनस 100 कितना आ जाएगा 25. एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है तो एक्स क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई होगा 25 से डिवाइड किससे होगा 5 से 5 की टेबल से 5 5 25. तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 × 4 20. दैट इज 20% डिक्रीज करने पर जो न्यू सैलरी है वो किसके इक्वल हो जाएगी ओरिजिनल सैलरी के. ओके नाउ स्टूडेंट्स हमारी जो एक्सरसाइज 9 है ए है वो हमने कंप्लीट कर ली है.